नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस क्रमांक से अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य आधुनिकता के साथ तो परस्पर जुड़ता जा रहा है, लेकिन वह अपने कुछ मूलभूत और जमीनी विश्वासों से बहुत अछूता हो गया है। एक बार की बात है, महाराज जी चर्च लेन में अपने एक बहुत ही अनन्य भक्त के यहाँ विराजमान थे। एकाएक महाराज जी का, आप तो जानते ही हैं कि जहाँ भी महाराज जी विराजमान हो, ना जाने कहाँ से उनके भक्तों को पता चल जाता था कि आज महाराज जी इसके यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भक्तों का तांता स्वतः ही लग जाता था। ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक बूढ़ी माई महाराज जी के समक्ष आकर बैठ गई और महाराज जी से एक बहुत ही मूलभूत प्रकार का प्रश्न पूछने लगी। वह कहती है कि महाराज जी, इस जीवन में मनुष्य का भाग्य कैसे उसका साथ देता है, कैसे यह भाग्य काम करता है, और वे कौन लोग होते हैं जो भाग्यवान बनते हैं। तो महाराज जी, आप तो जानते हैं, बड़ी ही रहस्यमय वाणी महाराज जी की रहती है। उनकी वाणी में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व छुपे होते हैं जो कि बाद में घटना स्वरूप में समझ में आते हैं। तो महाराज जी पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद महाराज जी कहने लगे कि जो मनुष्य है, वह अपने जो प्रारंभिक संस्कार होते हैं, जो उसे उसके माता पिता से, उसके बड़े बूढ़ों से उसे प्राप्त होते हैं, वह धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते उन मूलभूत जो संस्कार होते हैं उसको भूल जाता है। जबकि वह यह नहीं जानता कि वह जो संस्कार उसे अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से प्राप्त होते हैं, वह उसके लिए एक वरदान का काम करते हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि वह वरदान कैसे बन जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य धीरे धीरे तरक्की करने लगता है, तो उस तरक्की के चलते वह अपने उन संस्कारों को धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। जो प्रारंभिक संस्कार एक शिशु को प्राप्त होते हैं, अगर वह शिशु उन संस्कारों को पूरे जीवन आजीवन अपने साथ लेकर चलता है, तो वह मनुष्य कभी भी अपने जो संस्कार हैं उनसे कभी डिग नहीं सकता। वह बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकता। वह ज़रूरतमंदों की मदद, जहां पर आवश्यकता होती है, उस मदद से कभी भी उन्हें वंचित नहीं कर सकता। तो ऐसे संस्कार माँ बाप सभी माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, और यह संस्कार जब उनका जो बालक है या बालिका है वे भूल जाते हैं, तो वे संस्कार भूलने के चलते आधुनिकता के प्रभाव से या अन्य किसी प्रभाव से वे संस्कार भूलने के पश्चात वे एक नई दिशा की ओर बढ़ जाता है, जहां पर उसका भाग्य साथ देना बंद कर देता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य का भाग्य होता है, वो सीधा सीधा उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो कर्म आज हम कर रहे हैं, जो बीज आज हम बो रहे हैं, उसी प्रकार का वृक्ष होगा, और उस वृक्ष से उसी स्वरूप के फल प्राप्त होंगे जैसे कि बीज बोया गया होगा। यानी कि अगर आप आज बुरा कर्म कर रहे हैं, तो वह बुरा कर्म एक बुरे कर्म रूपी बीज के साथ एक बुरे प्रकार का वृक्ष और आगे चल के एक बुरा फल आपको जीवन में देगा। तो उसी प्रकार से यदि आप यह चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, तो आपको अपने कर्मों पर नजर बना के रखनी होगी। जो आपके संस्कार हैं उसको जीवन में कभी मत छोड़िए। आपके माता पिता परिजनों के जो संस्कार आपको दिए गए हैं, उनको जीवन में ढालिए और उन संस्कारों के अनुरूप आप व्यवहार करिए। निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप भाग्यवान बनेंगे। तो यह महाराज जी ने शिक्षा इस क्रमांक में उस बूढ़ी माई को बताई, और जब यह शिक्षा वह बूढ़ी माई ने सुनी, तो बूढ़ी माई गदगद होकर रोने लगी
और महाराज जी के चरणों में अपना शीश नवाने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसको उसके सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया हो। तो इस क्रमांक से आपको मैं यही समझाना चाहूँगा कि आप भी जो संस्कार अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, अपने बुजुर्गों से आप प्राप्त करते हैं, उन संस्कारों को आप जीवन में लेकर आइए। और व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मनुष्य को यह लेकर आना चाहिए कि जो भी संस्कार या जो भी उनके परिजनों ने उन्हें शिक्षा दी है, उस शिक्षा को जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ लेकर आजीवन चलते हैं। और इस दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा जीवन में किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं है। वह प्रसाद स्वरूप है। यदि माता पिता का आप आदर करते हैं जीवन भर, अपने परिजनों का आदर करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, तो यह सबसे बड़ा वरदान है। उसके बाद कोई भी ऐसा यश, कोई भी ऐसी कीर्ति नहीं रह जाती जो आपके लिए अछूता है। और जब माता पिता, जो कि स्वयं ईश्वर के समान है, ईश्वर से भी बहुत बड़े हैं, तो वह माता पिता का आशीर्वाद आपके भाग्य के साथ आपके भाग्य को उच्च स्तर तक लेकर जाएगा और आप अवश्य जीवन में भाग्यवान बनेंगे। तो यह है नियम जो महाराज जी ने बताया, उसी पर थोड़ा सा प्रकाश मैंने डाला है। तो आशा करते हैं आपको आज का यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। अपने जीवन में संस्कारों को उतारिए, माता पिता का आदर करिए, वृद्धों की सेवा करिए, इससे बड़ा जीवन में कोई कार्य नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।